हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं महिंद्रा बुलेरो का गियर बॉक्स है। इसमें गियर ऑयल नहीं था, इसके कारण इसका गियर बॉक्स जो है सीज हो गया था पूरा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को हम खोल रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप, खोल रहे हैं गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स को खोला जा रहा है। देख सकते हैं गियर बॉक्स खोल चुका है, निकाल रहे हैं। देख सकते हैं अंदर एकदम बिल्कुल भी गियर ऑयल नहीं था, इसीलिए इसका जो सारा गियर सीज हो गया है। ये देख सकते हैं हमारा गियर जो है निकल चुका है। अभी इसका जो है ब्रास रिंग भी टूट गया है, 3 नंबर का ब्रास रिंग टूट गया है इसका, देख सकते हैं ये। और इसका काउंटर भी सीज हो गया है, सारे दांत जो है ख़राब हो चुके हैं। देख सकते हैं ये काउंटर इसका पूरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसका पूरा दांत देख सकते हैं ख़राब हो गया है, सीज हो चुका है पूरा गियर बॉक्स एकदम बिल्कुल। सारा गियर चेंज करना पड़ेगा हमको। देख सकते हैं हाउजिंग में ये गियर का बुरादा जो है, देख सकते हैं बुरादा सारे गियर को काट कर काट दिया है। ये टूट गया है, ये 3 नंबर का सेकंडाइजर स्लिप का। पूरा गियर एकदम सीज हो चुका है, देख सकते हैं ये बुरादा, देख सकते हैं फारको के बुरादा, ये गियर के बुरादे हैं सब, देख सकते हैं 3 नंबर गियर तो बिल्कुल सीज हो चुका है। इसका सारा गियर जो है सीज हो गया है, देख सकते हैं क्लच प्लेट भी एकदम स्लिप हो चुका है, तो हमें क्लच प्लेट और इसका गियर दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा सारा। ये हम इसका फर्क निकाल रहे हैं, देख सकते हैं इसका फार्क भी पूरा कट गया है एकदम, गियर ऑयल नहीं रहने की वजह से एकदम कट गया है। इसका फार्क भी आपको दिखा रहे हैं निकाल के, ये देख सकते हैं फार्क निकल चुका है। ये एकदम कट गया, अभी देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फार्क कट गया है, ये भी कट चुका है फार्क, इसको भी रिप्लेस करेंगे। और ये गियर इसका प्लेट खोल रहे हैं, 12 नंबर की स्पिनर से इसका प्लेट खुलता है, 12 mm का बोल्ट रहता है, इसके लॉक को निकालना पड़ता है तब जाकर ये प्लेट निकलता है। गियर को हमने निकाल दिया है पूरा, देख सकते हैं ये काउंटर, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम खराब हो चुका है, इसका सारा दांता जो है टूट चुका है, घिस चुका है, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये इसका 4 नंबर गियर वो भी खराब है, ये देख सकते हैं बिल्कुल गियर ऑयल ना रहने की वजह से एकदम सीज हो गया है सारा गियर, एकदम बिल्कुल लाल हो चुका है, सीज हो गया, सब कट चुके हैं सारे गियर, सबको रिप्लेस करना पड़ेगा सारे सेट। सारे गियर को हम न्यू डालेंगे बिल्कुल, सबको रिप्लेस करेंगे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर सबको रिप्लेस करेंगे। ये हमने न्यू सामान मंगवा लिया है, देख सकते हैं ये न्यू क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, न्यू सामान हमने मंगा लिया है। ये न्यू सामान हमने मंगवा लिया है, देख सकते हैं सारे बैरिंग फार्क, ये 4 नंबर गियर सब हम मंगवा लिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सबको मंगवा लिया है। ये 4 नंबर गियर है, देख सकते हैं ये इसका काउंटर है जो सीज हो गया था, देख सकते हैं न्यू काउंटर। ये 2 नंबर गियर, ये 1 नंबर गियर, ये 3 नंबर गियर है,
तीन नंबर गियर है, बिल्कुल न्यू गियर महिंद्रा कंपनी का हमने मंगवाया है। ये सारे गियर ये एक नंबर गियर है, देख सकते हैं न्यू। ये इसका मेन सॉफ्ट है जो खराब हो चुका था, सीज होने की वजह से सब खराब हो गए थे सारे। ये इसकी बेरिंग है, ये तो चार नंबर गियर है इसका। हाय हमारे रंगीन का नारा ने बात पांच मिनट के लिए सही से मैच होगा माँ का सब। बिल्कुल नहीं, यो भी महिंद्रा कंपनी का है सब। और ये सारे बैरिंग देख सकते हैं, ये फार्क पांच नंबर गियर का है, सब हमने मंगवाए हैं, देख सकते हैं। ये है तीन नंबर का फार्क, ये दो नंबर गियर का फार्क है। ये काउंटर की बैरिंग है, देख सकते हैं न्यू बैरिंग सब। ये मेन बैरिंग है, देख सकते हैं दोनों टैपिंग की और मेन सॉफ्ट की सारी बैरिंग। मिडिल बैरिंग पांच नंबर गियर की देख सकते हैं, बैरिंग नंबर रहा है नंबर वन बैक गियर। ये भी खराब हो चुका था, इसको बुश कट गया था, हमने न्यू मंगवा दिया है। ये भी मेन बैरिंग है काउंटर की, ये नंबर ऑफ पहुंच के खींच पे फोटो। और सेकंडाइजर स्लिप भी हमने असेंबली दोनों मंगवा दिया है। और ये इसका सारा बॉक्स है सामान का, देख सकते हैं सब बिल्कुल महिंद्रा कंपनी का न्यू आया है। ये सारे गियर के बॉक्स हैं, देख सकते हैं सब महिंद्रा कंपनी के जेन्युइन पार्ट हैं सारे। सारे पार्ट महिंद्रा कंपनी के हैं सर। सारे गियर हैं, ये देख सकते हैं। ये सारे बैरिंग के जो है डब्बे हैं, देख सकते हैं सब टेकपिन कंपनी के, एनबीसी कंपनी के बैरिंग है सब, देख सकते हैं। सारे बैरिंग हमने न्यू डलवाए इसमें, देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं गियर को फिटिंग करने, इसमें सारे गियर को देख सकते हैं। अभी सारा सामान हमने रेडी कर लिया है, ये हम रिलीज बैरिंग भी न्यू डाल रहे हैं और इसका आईसी भी, देख सकते हैं। अब हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, देख सकते हैं सारा सामान रेडी है, अब इसको हम फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने तीन नंबर गियर को फिट कर दिया है। अभी इसके स्लिप असेंबली को फिट करने वाले हैं, देख सकते हैं अभी आप। ये इसकी ब्रास रिंग है, ब्रास रिंग को अभी फिट कर रहे हैं हम। ब्रास रिंग को फिट कर दिया है हमने, ये स्लिप में थोड़ा ऑयल लगा कर बैठाएंगे हम, देख सकते हैं स्लिप असेंबली इसको, देख सकते हैं प्रॉपर बैठ गया है। गियर बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं। और ये इसका लॉक है, लॉक को हम लगा लेंगे, देख सकते हैं। ये हमने तीन नंबर गियर को फिट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं दो नंबर गियर को स्लिप असेंबली लगाने। दो नंबर फिट हो चुका है, ये दो नंबर का स्लिप असेंबली है। ये इसकी ब्रास रिंग है, ये दो ब्रास रिंग सब सेट आता है, बिल्कुल हमने न्यू मंगवाया है सारा सामान। ये देख सकते हैं, इस पे ऑल टोट कर लगाना है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ब्रास रिंग फ्री रहना चाहिए। इसकी स्लिप है, स्लिप को हम लगा रहे हैं अभी, आराम से बैठाना है स्लिप को इसका जो है। ये बैठ चुका है, ये भी गियर फ्री है, दो नंबर गियर है फ्री है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। और ये इसकी दूसरी ब्रास रिंग है, इसको भी हम लगा देंगे, वो सॉकेट है बेरिंग का, इसको भी लगा देना।
इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल पोत लेना है ब्रास रिंग पे। ये देख सकते हैं इसकी नीडल बेयरिंग है, हम नीडल बेयरिंग को लगा रहे हैं। ये ऑयल पोत कर लगाना है नीडल बेयरिंग को। ये एक नंबर गियर को फिट कर रहे हैं, गियर भी फिट हो चुका है। ये एक नंबर गियर देख सकते हैं प्रॉपर ओके हो चुका है सर। और ये इसकी सिम है स्टील सिम, देख सकते हैं। ठंडा बढ़ गया हो भाई साहब, ज्यादा बेकार ले ले आराम कर, कर ले ले आराम कर। ये देख सकते हैं इसकी मेन बेयरिंग को हम लगा रहे हैं, गियर हमारा हो चुका है सारा फिट हो चुका है। अब हम मेन बेयरिंग को फिट करेंगे। देख सकते हैं बेयरिंग को हम बैठा रहे हैं, ये बैठ चुका है हमारा सारा एकदम एक नंबर से। गियर में बिल्कुल भी प्ले नहीं रहना चाहिए वरना गियर छोड़ देगा, इसमें जरा सा प्ले ना रहे। ये इसकी नीडल बेयरिंग है टैपिनियन की, ये चार नंबर की ब्रास रिंग है, इसको भी हम लगा रहे हैं ब्रास रिंग को। देख सकते हैं ये हमारा गियर एकदम बिल्कुल ओके हो चुका है। देख सकते हैं सारे गियर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर सारे फिट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं ये इसकी काउंटर है, इसकी बेयरिंग हम ठोकने जा रहे हैं अभी। गियर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, अब हम इस काउंटर की बेयरिंग ठोक कर इसको फिट करेंगे। ऑयल पोत कर बेयरिंग को ठोकना रहता है बिल्कुल आराम से। बेयरिंग इसका इसकी दूसरी बेयरिंग है काउंटर की, देख सकते हैं। बैरिंग को हमने बैठा दिया, अभी इसका ये बुलेट पिन लगा रहे हैं इसमें बुलेट पिन। इसको बहुत ध्यान से लगाना रहता है, अगर जो ये भूल गए तो गियर फंस जाएगा, गियर ही नहीं लगेगा। ये पांच नंबर का बैरिंग है, इसको भी हमने ठोक लिया है। और ये भी मेन बैरिंग है काउंटर का, इसको बैठा देंगे। अब हम गियर को फिट करेंगे, सारे गियर को इस प्लेट में फिट करेंगे। देख सकते हैं हम प्लेट को फिट करने जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं हमारा गियर ओके हो चुका है, हम प्लेट को लगाने जा रहे हैं। इस पे ऑयल पोत कर प्लेट को लगाना रहता है। देख सकते हैं प्लेट को बहुत आहिस्ता से बैठाना रहता है, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से बैठ गया। और इसका ये लॉक रहता है, लॉक को लगा लेते हैं हम। ये लॉक इसका है, इस लॉक को बैठा देंगे। और इसको बैठाने के बाद इसका जो है प्लेट हम लगाएंगे। गियर को पहले चेक कर लेना फ्री है कि नहीं, देख सकते हैं हमारा गियर बिल्कुल फ्री है। हम इसके प्लेट को टाइट कर रहे हैं, 12 mm के 6 bolt लगते हैं इसमें, सबको टाइट कर लेना है। हम टाइट कर रहे हैं सारे बोल्ट को, देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हम इसका 5 नंबर गियर और बैक गियर सेट करेंगे। अभी देख सकते हैं इसकी बेयरिंग हम लगा रहे हैं, 5 नंबर गियर की बेयरिंग पर मोबिल पोत कर लगाना है बिल्कुल ऑयल पोत कर। और ये इसकी ब्रास रिंग है 5 नंबर गियर की, देख सकते हैं ब्रास रिंग। ये इसकी वाशर और सीम है, बेयरिंग है 5 नंबर गियर की, न्यू बेयरिंग बिल्कुल हम डाल रहे हैं, देख सकते हैं जी बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है 5 नंबर गियर। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं, देख सकते हैं हमारा स्लिप प्रॉपर खेल रहा है बिल्कुल।
हम 5 नंबर गियर को फिट कर रहे हैं अभी, 5 नंबर गियर। ये बैक गियर को भी फिट कर लेते हैं, बैक गियर को भी हम लगा लेते हैं, देख सकते हैं गियर हमारी फिट हो चुकी है प्रॉपर। 5 नंबर गियर को हमने लगा दिया है। अब हम ये दूसरा गियर लगा रहे हैं पीछे का, देख सकते हैं इसको भी बहुत आराम से ठोक बैठाना रहता है, वरना ये देख सकते हैं। बैठ गया है ये भी हमारा गियर, प्रॉपर ओके हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसका फार्क लगा रहे हैं, देख सकते हैं ये। देख सकते हैं हम सब लगा चुके हैं, अब हम इसका डबल पिन ठोक रहे हैं फार्क का, देख सकते हैं डबल पिन को हमने ठोक दिया है एक को। इसको बहुत आराम से ठोकना रहता है, वरना ये टूटने का भी डर रहता है इसमें। ये दूसरा डबल पिन ठोक रहे हैं, एक नंबर दो नंबर फार्क का है ये पिन। देख सकते हैं इसको भी आराम से ठोकना रहता है, वरना टूटने का डर रहता है। एल्युमिनियम फार्क होते हैं सब, फार्क को बहुत आराम से पिन को बैठाएं। ये 5 नंबर गियर का फार्क पिन है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारा गियर बिल्कुल ओके हो चुका है, एकदम कंप्लीट, देख सकते हैं। हम चेक कर रहे हैं गियर को, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे है सारा गियर हमारा। अभी हम गियर लगा कर चेक करेंगे, ये देख सकते हैं 2 नंबर गियर हमने लगाया, ये 1 नंबर गियर है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है हमारा गियर, बहुत एकदम ओके हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे वही गियर है हमारा, देख सकते हैं। ये 5 नंबर गियर हमने लगाया है, लगा कर चेक कर रहे हैं। आपको प्रॉपर चेक कर लेना है गियर को, और न्यूट्रल पोजीशन भी चेक कर लेना, देख सकते हैं हमारा गियर बिल्कुल न्यूट्रल है। देख सकते हैं गियर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसके इसको हम हाउसिंग में इसको सेट करेंगे। गियर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, हम अब हम इसको हाउसिंग में इसके सेट करेंगे। देख सकते हैं हाउसिंग है इसका, हम इसको बैठा रहे हैं इसमें, बड़े आराम से बैठाना रहता है इसको भी। ये हमारा बैठ चुका है प्रॉपर, ये बैठ चुका है हमारा हाउसिंग जो है बैठ चुका है एकदम बिल्कुल, अभी देख सकते हैं। अभी हम इसका डबल पिन ठोकेंगे, ये हमारा पिन जो है हमने इसको ठोक दिया है। अभी हम इसको ये गियर निकल चुका है, हम इस गियर को फिर से लगा देंगे, देख सकते हैं ये लग गया, फिट हो गया हमारा गियर बॉक्स बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसको हम दूसरी हाउसिंग को बैठाएंगे, अभी देख सकते हैं ये दूसरी स्प्रिंग कर गया है। इसका ये छर्रा और स्प्रिंग हम इसमें लगा के इसको 5 नंबर mm की लंकी से टाइट करेंगे, अभी देख सकते हैं टाइट हो गया। रोक दे वीडियो, ये इसकी हाउसिंग है, अब हम इसको भी फिट कर लेंगे, ये मेन हाउसिंग। ये बैठ चुका है, अब हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद दूसरी
हाउसिंग को फिट करेंगे इसमें, देख सकते हैं। सारे बोल्ट को हम लोग एकदम टाइट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं। हाउसिंग हमारी टाइट हो चुकी है, अब हम इसके दूसरी हाउसिंग को लगाने वाले हैं। अभी पहले गियर बॉक्स को सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं। ये बॉन्ड को पोत लेना है हल्का हल्का बिल्कुल। ये दूसरी हाउसिंग को हम फिट कर रहे हैं अभी, देख सकते हैं। देख सकते हैं हाउसिंग को हम बैठा रहे हैं अभी। इसको भी बहुत आराम से बैठाना रहता है, इसका डैबल बहुत टाइट होता है, बिल्कुल आराम से बैठाएं वरना हाउसिंग जो है क्रैक होने का डर रहता है। इसका डैबल बहुत टाइट होता है, बिल्कुल आराम से बैठाएं इसको, देखते हैं। हम इसको बैठा रहे हैं, बैठ चुका है प्रॉपर तरीके से। फिर हम इसके टाइट करके सारे बोल्ट और इसको हम गाड़ी में फिट करके आपको अभी दिखाते हैं। इसके बोल्ट को हम अभी टाइट कर लेंगे, देख सकते हैं। गियर बॉक्स हमारा पूरा ओके हो चुका है प्रॉपर। अब इसके बोल्ट को टाइट करके गाड़ी में लगा कर अभी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी हमारी ट्रायल पे जा रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। वो आप